रोहतास जिले के चिनारी में बिहार सरकार के 3 मंत्रियों ने मोबाइल की रोशनी में सभा की, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। चिनारी के स्थानीय कांग्रेस विधायक तथा बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री अनीता देवी तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने मोबाइल की रोशनी में सभा को संबोधित किया। दरअसल चिनारी के डाक बंगला मैदान में इन मंत्रियों के स्वागत के लिए अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया था। चूंकि कार्यक्रम का आयोजन शनिवार के दिन में ही था, लेकिन लेट लतीफी के कारण विलम्ब हो गया और बारी बारी से मंत्रीगण देर शाम तक पहुंचे। सभा काफी देर तक चली, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं की गई थी। ऐसे में मंच पर मौजूद नेतागण एवं मैदान में खड़े समर्थक मोबाइल की रोशनी जलाकर पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान करगहर के कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा भी मंच पर देखे गए। सवाल उठता है कि बिहार सरकार के 3 मंत्री नक्सल प्रभावित इलाके में रात के अंधेरे में मोबाइल की रोशनी के बीच किस प्रकार से सुरक्षा के तमाम मापदंडों को ताक कर रखकर सभा करते हैं। बता दें कि पूरा इलाका नक्सल प्रभावित रहा है और ये इलाका कैमूर पहाड़ी का तलहटी क्षेत्र का है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए रोहतास से रवि कुमार की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।